अगर मॉल में हम खा पी के बिना पैसे दिए भाग जाएं तो क्या होगा। तो इस बात का पता लगाने के लिए मैंने मॉल में आके सामान ढूंढना चालू कर दिया, लेकिन मैं तब तक फोन पे बात करने के बहाने ही आगे स्टाफ को देख रहा था। और तब तक मुझे एक केक दिखता है एंड इसे मैं आगे पीछे देखे बिना ही खाना चालू कर देता हूँ। फिर इसको बड़े आराम से खा पी करके इसके पैकेट को चुपचाप से वहीं रख करके आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, घर का लोग ऐसा करता है क्या? और थोड़ा और आगे बढ़ते ही मुझे ये एनर्जी ड्रिंक दिखती है और इसको बड़े आराम से पी करके इसकी खाली कैन को वहीं छोड़ करके और सामान ढूंढना चालू कर देता हूँ। तभी अचानक से मुझे चॉकलेट का भरा हुआ फ्रिज दिखता है और फटाफट से मैं इसको भी खाने लग गया। और मैं खा ही रहा होता हूँ जब तक मुझे ढेर सारे परफ्यूम दिखते हैं और मैं आगे पीछे देखे बिना ही इन सारे परफ्यूम को लगाना चालू कर देता हूँ। और भाई, यहाँ के तो सारे लोग बस मुझे ही घूरने जा रहे थे और पूरे मॉल में खुशबू फैला करके मुझे अचानक से मेरे फेवरेट चिप्स दिखते हैं। एंड अगर किसी ने भी गार्ड से कह दिया तो सच्ची में मेरी बहुत बुरी वाली बेइज्जती हो जाएगी। फिर इन सारी चीजों को खा पी करके चुपचाप से मॉल के बाहर निकल जाता हूँ।